मेरा हाल नहीं होती है उसमें ये भी जब डायरेक्टर होगा अंदर से ही अंदर से ही आज आ जाए जी डॉक्टर साहब हैं उनकी ड्यूटी है उनको आना है मैं आया हूँ तो आएंगे यहाँ न कोई दवाई है न दारू है न कोई सफाई है मैंने देखा हूँ गाड़ियाँ रखी गई है और ये कौन है आपका नाम है सीएमएस है इनका कोई मान ही नहीं रहा है कह रहे हैं कि हम हमारी बातें कोई नहीं मान रहा है ले आकर के रख दिया नहीं सर अरे आप मेरे सामने बोल रहे लेकिन ये लोग मैं जैसे चला गया तब ला के अपना अंदर गाड़ी इसका मतलब आपके यहाँ झूठे आप प्रशासक बने हो तुम्हारा कोई असर नहीं है इनका नहीं मैं सर देख रहा हूँ जिसका उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँ अच्छा ये सुन रहे हैं ना इनकी बात तो इनका कोई असर नहीं है यानी इतनी दुर्व्यवस्था के कारण यहाँ मरीज हो गए हैं जिसका कोई शिकायत नहीं एक बार कई बार मैंने हम लोगों का दिशा निर्देश निगरानी समिति की बैठक में यहाँ सीएमओ इतना बड़ा इसने मानो अब क्या बताएं अब कितना यहाँ भ्रष्ट है वो जिसका कोई ठिकाना नहीं है सांसद जी एक बंदी है और बंदी से मिलने से पहले मैं कबूतर और उसके अंडे घोंसले अब सीएमओ है जब इसी किस्म का आदमी लोग आते हैं आपने खोला सीएमओ तो यही था असिस्टेंट सीएमओ था यही था ना पांडे थे तो यह आप कह रहे हम खोला यह गलत नहीं होता तो क्यों आपको खोलना पड़ता है सफाई पर ही होना चाहिए तो इसका मतलब कि यहाँ अपराधी गण रहते हैं उनका भोजन जो है अपराधियों का जानते हैं शराब दारू और ये अंडा मछली गोश्त हमको तो लग रहा है कि यहीं से सीएमओ की अध्यक्षता में यानी अपराध का संचालन होता होगा जिसका प्रतीक जो है वह बाथरूम दिखाया है जहाँ अंडा और तमाम चीज यहाँ अंडा रखने का जगह है क्या बाथरूम है लैट्रिन है हमारे समझ से आप तो लिए हैं यानी नहीं मालूम कब का बंद है और तुम्हें मकड़ी झाड़ आज भी यहाँ का व्यवस्था अति रंग है इन सबों जो डॉक्टर है वो सीएमओ है एक के माहौल के विचार के सारे लोग सबको सस्पेंड होना चाहिए सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों पर आपराधिक मुकदमे चलाने चाहिए क्योंकि यहाँ इस हॉस्पिटल से मरीज अच्छे नहीं किए जाते अपराध संचालित होता है अभी मैंने लिखेंगे, लिखेंगे आप लिखेंगे एकदम लिखेंगे भेजेंगे सरकार को सांसद जी क्या होगा जो पेशेंट आपसे मामला सांसद जी ने क्या चेक किया पूरा मामला ये है ये दसों साल से बंद था क्योंकि इसका ड्रेनेज आज तक खुला ही नहीं है यूपीसीपीसीएल बना रही है हमारी और आज हम उसको खोल करके अटैच करके इसलिए पानी उसको खुलवाए हैं सफाई करके देखने के लिए कि अब इसमें कनेक्शन होगा कि नहीं अब हमने 3:30 बजे उसको खुलवाया है आज चूंकि दसों साल से बंद था ऊपर जगह है तो उसमें पक्षी वगैरह आए जाए हैं तो इसके लिए मैंने याद तोड़वाया है जी वो कितने घोंसले अरे जो आपने देखा वही था आप बताएं मैं क्या बताऊं भाई कबूतर के अंडे आप जो कह रहे हैं जो भी हो वही सत्य है मैं तो मेरा किया दिया सब नष्ट हो गया जितना मैंने 3-4 महीने सांसद जी ने लिखा पढ़ी के लिए कहा है इसे उनका स्वागत है उनसे सुधार आएगा लिखा पढ़ी करेंगे तो सुधार आएगा।